الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نادي عليا وظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله لي خمسة أطفي بها حبل الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة رنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى أهلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين अल्लाह ताला दी हमद सना और अल्लाह ताला दे महबूब आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक्दस विच हदीया अकीदत पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह खालिक कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए
सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबाए जुमातुल मुबारक दा मौजू है तज़करा हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे विच जिन्ना अजीम लोगों का तज़करा फरमाया उन्हां लोगों दे विचो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल ने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 15 आयात दे विच आप का तज़करा फरमाया। ज़ुल्करनैन इन्हां दा नाम सही नाम सिकंदर जिक्र किया जाता है और ज़ुल्करनैन इन्हां दा लकब है। ज़ुल्करनैन का मायना होता है कर्न कहते ने सींग नू और करनैन दो सींग ज़ुल्करनैन इसका माना है दो सिंगा वाला। अब इन्हों दो सिंगा वाला यानी कि ज़ुल्करनैन क्यों आख्या जाता है इस वास्ते कि इन्होंने एक सिंग तो लैके दूसरे सिंग तक यानी इन्होंने मशरक तो लैके मगरब तक सफर किया इस वास्ते इन्होंने ज़ुल्करनैन आख्या जाता है। और आप दे मुतालिक ये बयान किया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे बेटे साम बिन नूह अलैहिस्सलाम उन्हां दी औलाद दे विचों ने आप और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इन्हां दे आप खालाजाद भाई ने यह भी बयान किया जाता है। तफसीर सावी दे विच ये तज़करा इस तफसील दे नाल मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच आप तज़करा इस तरह फरमाया फरमाया व यसअलूनका अन ज़िल करनैन। ऐ मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ये तुहाडे कोलों ज़ुल्करनैन दे मुतल्लिक पुछदे ने तुहाडे कोलों सवाल करदे ने ज़ुल्करनैन दे मुतल्लिक। कुल सअतलू अलैकुम मिनहु ज़िक्रा तो तुसी इरशाद फरमाओ कि असी तुहानूं ज़ुल्करनैन दा जिक्र सुनाने और ज़ुल्करनैन नूं अल्लाह ताला ने यह भी एजाज़ अता फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इन्हां नूं पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमाई है। जब तक ये दुनिया बनी है अल्लाह ताला ने चार ऐसे लोगों नूं ऐसे लोग ने जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की शाही अता की है। उन्हां विचों दो मुसलमान ने दो गैर मुसलम ने एक काफिर नमरूद नूं अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाही अता की है और दूसरा जिहड़ा काफिर है बख्त नसर उसका नाम है जिसनों अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की शाही अता की है। और जो मुसलमान शहनशाह ने उन्होंने पहले सुल्तान और शहनशाह नबी अल्लाह ताला दे हबीब आका अलैहिस्सलाम दे अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ताला ने बादशाही भी अता की है अल्लाह ताला ने आप नबूवत भी अता की है और आपकी बादशाही भी पूरी दुनिया से सी। और जो चौथा बादशाह है और मुसलमान दूसरा वो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने रहमतुल्लाह अलैह भी कह सकते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला दे नबी नहीं ने। हजरत ज़ुल्करनैन इन्हां दे मुतल्लिक है कि ये नबी अल्लाह ताला दे नहीं सन लेकिन अल्लाह ताला दे वली जरूर सन कि अल्लाह ताला ने इन्हां नूं विलायत जरूर अता फरमाई सी और अल्लाह ताला ने इन्हां नूं बादशाही भी अता फरमाई सी अल्लाह ताला ने इन्हां नूं ताकत भी अता की सी और अल्लाह ताला ने फिर आप नूं ए शान अता किया कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद आप का तज़किरा फरमा दिता। खल्के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया फरमाया वा यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन قل سأتلو عليك
फरमाया मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ए लोग दादे गुरु जुल करने अलैहि सलाम दे मुतलक सवाल करते ने तुसी ये नाम इरशाद फरमाओ असी तुहानू हजरत जुल करने दा जिक्र सुनाने आ हजरत जुल करने कौन ने फरमाया इन्ना मकन्ना लहू फिल अर्दे बेशक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया असा हजरत ज़ुल्करनैन ज़मीन दे विच बादशाही अता फरमाई सी वातैनाहु मिन कुल शैइन सबबा और असी उन्हां नूं दुनिया दी हर नेमत दे नाल नवाज़िया सी अल्लाह ने पूरी दुनिया दी बादशाही अता फरमाई है अल्लाह ने दुनिया जहान दीआं तमाम नेमतां उन्हां नूं अता फरमाईआं ने कोई ऐसी शय नहीं है जड़ी अल्लाह ने हजरत ज़ुल्करनैन नूं अता न कीती होवे खल्के कायनात ने इरशाद फरमाया फअतबा सबबा बस उन्हां ने एक सफर दा आगाज फरमाया अब केड़ा सफर है दे बारे मुख्तलिफ रिवायात बयान कीतियां जांदियां ने उन्हां विचों इक रिवायत है हजरत खिजर अलैहि सलातु वस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहि सलाम आपस विच रिश्तेदार भी ने आपस विच हम ज़माना भी ने आप नूं खबर मिली अल्लाह ने एक ऐसा पानी बनाया है एक ऐसा पानी है जिस नूं आबे हयात आख्या जांदा है जेड़ा शख्स ओ पानी पी लैंदा है अल्लाह उस नूं जिंदगी अता फरमा देंदा है जेड़ा उस पानी नूं पी लेगा ओनू कदे मौत नहीं आवेगी ये सबब बनिया आप दे सफर करन दा और दूसरी जेड़ी वजह बयान करदे ने आप दे दिल च शौक होया आप दे दिल च ख्याल मुबारक पैदा होया मैं अल्लाह ताला दी जमीन दी सैर करा मैं इस अल्लाह ताला दी बनाई हुई कायनात नूं वेखा और मैं वेखा सूरज निकलदा कित्थों है और सूरज गुरूब किथे होंदा है इस सफर दे मुतालिक इस नीयत दे नाल आप चले ने खल्के कायनात ने इरशाद फरमाया हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजदहा तगरुब फी ऐनिन हमीअतिन वजदा इंदहा कौमा कुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फीहिम हुस्ना क़ाला अम्मा मन ज़लमा फसौफ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा व अम्मा मन आमना व अमिला सालिहन فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دی تین مہمات دا قرآن مجید فرقان حمید تذکرہ فرمایا ਤਿੰਨਾ ਸਫਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਖਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
क्या देखिया उस जगह दे कौम आबाद है, उत्थे लोग मौजूद ने, उत्थे एक ऐसी कौम है जिस कौम नु हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस सलाम ने वेखिया अल्लाह दे दीन दा पैगाम लैके चले ने, अल्लाह ताला दे वली ने, अल्लाह दे दोस्त ने, साहिबे ईमान ने, दुनिया दी बादशाही भी मिली है, अल्लाह ने ईमान दी दौलत दे नाल भी नवाजिया है। उन्हां लोगां कोल जदों पहुंचे ने अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, अल्लाह ताला ने आप नूं अपना पैगाम पहुंचाया, हल्के कायनात ने फरमाया असा हजरत ज़ुल्करनैन नूं ए इरशाद फरमाया, फरमाया ए ज़ुल्करनैन ए जिहड़ी कौम है असा इस कौम नूं तुहाडे महतात कर दिता है, अगर तुसी चाहो इन्हां नूं सजा दिओ, अगर तुसी चाहो इन्हां नूं छोड़ दिओ। जदों अल्लाह ने हजरत ज़ुल्करनैन नूं इख्तियार अता फरमाया, हजरत ज़ुल्करनैन अर्ज करते ने या मेरे मौला ए दुनिया ए लोग ए कौम जिहड़ी इस जगह ते मौजूद है इन्हां नूं इस्लाम दी दावत देवांगा, इन्हां नूं तेरी तौहीद दी दावत देवांगा, जिहड़ा ईमान लै आवेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जिहड़ा ईमान नहीं लावेगा ओनू मैं दुनिया दा अज़ाब देवांगा, फिर तेरी बारगाह विच लौट के आवेगा। लेकिन कामयाब ओ नाए जिन्हें ईमान लियांदा और ईमान तो बाद नेक अमल कीते, अल्लाह नू दा बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस कौम नू अल्लाह दे दीन दा पैगाम पहुंचाया, अल्लाह ताला दी वहदानियत दा दर्स दिता, जेड़े ईमान लियाए उन्हां नू छोड़ दिता, जिन्ना ईमान ना लियांदा उन्हां नू अज़ाब दिता। हल्के कायनात ने इरशाद फरमाया सुम्मा अतबा सबबा, फिर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी महम का आगाज फरमाया, अपने दूसरे सफर का आगाज फरमाया। पहला सफर जिस वक्त करते करते मगरब पहुंचे ने, मगरब पहुंच के अपना मकसद वेखिया, अपने मकसद नूं पा लिया, अब मकसद की पाया है उत्थे जाके की वेख्या तब रोगो फी आइन अमे आतिन, ओ जिहड़ा सूरज गरूब हुंदा है एवें लगदा है जिवें ओ स्या रंग दी मट्टी विच गरूब पिया हुंदा है, यानी कि अगर तुसी वेखो, अगर कोई भी वेखे, अगर सामने पानी होवे और पानी दे किनारे बंदा खड़ा होवे, उस नूं सामने सूरज गरूब हुंदा नजर आवे, एवें लगदा है जिवें उत्थे जाके आसमान जमीन दे नाल मिल जांदा है और स्या रंग दी मट्टी नजर आती है, एवें लगदा है जिवें इत्थे सूरज गरूब पिया हुंदा है, लेकिन हकीकत ए नहीं होंदे। उन्हां ने अपनी ताकत दे मुताबिक सफर जरूर कीता है, लेकिन सूरज दा गरूब होना ए अल्लाह दा राज है, जिन्नू अल्लाह ही बेहतर जानन वाला है। सुम्मा अतबा सबबा, फिर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरी महम का आगाज फरमाया, अपने दूसरे सफर का आगाज फरमाया, फरमाया हत्ता इज़ा बलगा मदनी अश्शम्स वजदहा तत्लू अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दुनिया सित्रा कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा सुम्मा अतबा सबबा। फिर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मशरक दे वल सफर दा आगाज फरमाया, चलदे चलदे उस मकाम ते पहुंचे ने जिस मकाम तू सूरज तलू पिया हुंदा है, जिस मकाम तू सूरज तलू पिया हुंदा है, जिस वक्त उस मकाम ते पहुंचे ने हल्के कायनात ने फरमाया वाजा दा गा, उस मकाम ते उन्हां ने इक कौम पाए, उत्थे लोग आबाद ने, उत्थे अल्लाह ताला दी मखलूक आबाद है, लेकिन ओ कैसे लोग ने, अल्लाह ने फरमाया वाजा दा मिल दूनी ही मा, ऐसी
कौम है जिन्हां दे कोल कोई सितर नहीं है, जिन्हां दे कोल कोई पर्दा नहीं है, यानी कि ऐसी कौम है जिन्हां ने कोई मकान नहीं बनाया, जिन्हां ने कोई दीवार खड़ी नहीं कीते, उत्थे कोई पहाड़ नहीं है, उत्थे कोई घाटी नहीं है, उत्थे कोई दरख्त नहीं है, उत्थे जिस तरह आम लोग आबाद होंदे ने वो लोग इंज दे नहीं ने, उन्हां लोगां दे लिबास भी बहुत कम ने, बल्कि रिवायत ज्यादा है वो ऐसे लोग ने जेड़े इंसान ने लेकिन काने उन्हां दे इन्ने बड़े ने, अपने कन्ना नूं बिछौना भी बना लैंदे ने, अपने कन्न दा ओढ़ना भी बना लैंदे ने, यानी एक कन्न नीचे बिछा के उत्ते सौ जांदे ने, दूसरा कन्न उपर ओढ़ लैंदे ने। अल्लाह ने इन्ने बड़े कन्न अता कीते ने। वो कौम है जिन्हां ने घर नहीं बनाए, वो कौम है जिन्हां दे कोल कोई मकान नहीं है, वो कौम है जिथे कोई पहाड़ नहीं है, ऐसा इलाका है जिथे कोई दरख्त नहीं है। जिस वक्त हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम उत्थे पहुंचे ने, उन्हां दे नाल गुफ्तगू फरमाई, उन्हां दे कोल हालात दा जायजा लिया, लोगों ने दस्या असी मकान नहीं बना सकते, असी क्योंकि सूरज जिस वक्त तुलू होता है सूरज की तपश बहुत ज्यादा होती है, जिन्हों कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जे सूरज की तपश के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब सूरज तुलू होता है असी पानी में चले जाने, असी गारा में चले जाने, असी छुप जाने, जब सूरज गुरूब होता है असी बाहर निकले, बाहर निकल के असी अपना काम काज अपने रोजगार का अपने खान पीन का जो भी साड़ी जिम्मेदारी है उसनु मुहैया करने, उनके वास्ते कोशिश करने, अपने खान पीन का इंतजाम करने। हजरत ज़ुल्करनैन दे नाल बहुत बड़ा लश्कर से, बहुत बड़ी अल्लाह ने उन्होंने फौज अता कीते से। उस मकाम ते वेख्या की वेख्या है हड्डिया का बहुत बड़ा ढेर है। लोगों ने उन्होंने को पूछा ये ढेर क्यों है, ये हड्डिया किंदियां ने, उन्होंने दस्या है कि ऐसा लश्कर पहले भी आया जिन्हां नूं असां आगाह कीता जदों सूरज तुलू होवे इत्थे नहीं ठहरना, उन्हां ने साडी गल ना मन्नी, सूरज तुलू होया जल के खाक हो गए, ये उन्हां दीआं हड्डियां दे ढेर ने। हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया असीं नहीं ठहरांगे। रातों रात आपने उस इलाके नूं छोड़िया, उस जगह नूं छोड़ के आपने अपने तीसरे सफर का आगाज फरमाया। कायनात ने फरमाया सुम्मा अतबा सबाबा, फिर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने तीसरे सफर का आगाज फरमाया। तीसरे सफर का आगाज फरमाया चल पैने, उत्थे एक रस्ता निकलता है, जिस रस्ते ते आप चल पैने, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन वजदा मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا। खाल के कायनात ने हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम दे तीसरी महम का आगाज फरमाया। ओ चल पै चलते चलते एक ऐसे इलाके विच आए ने, एक ऐसी कौम को लाए ने, ऐसे लोगों दे को लाए ने जिन्हां लोगों की जबान दे किसी नूं समझ नहीं आती सिवाय ज़ुल्करनैन तो।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਕਾਦੂਨਾ ਯਫਕਹੂਨਾ ਕੌਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਲ ਕਰਨੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਲ ਕਰਨੈਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਦੁਲ ਕਰਨੈਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਐ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹੈ ਨੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੂਨਖਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ, ਯਾਜੂਜ ਔਰ ਮਾਜੂਜ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਸਾਦ ਬਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਲ ਕਰਨੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਮੱਕਨੀ ਫੀਹ ਰੱਬੇ ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਚੂੰਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਤੂੰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਰ ਅਲ ਹਦੀਦ, ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾਰ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਬਾਲਾ, ਉਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗ ਜਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਨੇ ਪਿੱਤਲ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਮਸਤਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਵਾ ਮਸਤਾ ਤਾਊ ਲਹੂ ਨਕਬਾ, ਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਗ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜੂਜ ਔਰ ਮਾਜੂਜ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ
دے تھے فرمایا اور دوسرے مقام دے فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ اس مقام تے اللہ تعالی نے انہاں نو بند کرن دا ذکر فرمایا، انہاں نو قید کرن دا ذکر فرمایا، انہاں دا رستہ بند کرن دا تذکرہ فرمایا، انہاں دے سامنے جو دیوار کھڑی کیتی گئی ہے انہاں دا ذکر فرمایا، اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نکلن دا ذکر فرمایا۔ اب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام آپ نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا اس دیوار نو نہ توڑ سکن گے، نہ سوراخ کر سکن گے، نہ اس نو پلانگ سکن گے۔ فرمایا اے جڑی دیوار ہے اینا دا رستہ روکے گی ہے، لیکن اس دیوار وچ ایسی کوئی طاقت نہیں جڑی اونا دا رستہ روکے، اے رستہ رکنا ہے میرے رب دی رحمت دے نال رکنا ہے۔ ھذا رحمت من ربی، فرمایا اے میرے رب دی رحمت ہے، اون دی رحمت اوندا فضل شاملے حال ہویا، آپا دیوار بنائی دیوار کھڑی کیتے، اللہ دی رحمت شاملے حال رہ گی، اے دیوار سلامت رہے گی۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کئی بار یأجوج مأجوج دا تذکرہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسی قوم ہے، انہیں سخت لوگ نے اور انی لمبی عمر والے نے اور انی کثرت اولاد والے نے، فرمایا انہاں دے وچوں ایک بندے نو اونی دیر موت نہیں آدے جنی دیر تک اوندے خاندان دا ہزار بندہ نہ بن جاوے، یعنی کہ ایک بندہ اپنے مگر ہزار چھڈ کے مردا ہے، اینی اللہ انہاں نو اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے اور اینی انہاں دی نسرت کثرت دے نال انہاں دی نسل بڑھدی ہے، ایک بندہ ہزار چھڈ کے جاندا ہے اینی کثرت دے نال او لوگ بڑھدے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں دی یہ دیوار کھڑی کیتی گئی ہے، جدوں دی دیوار بنائی گئی ہے، او روز اس دیوار نو توڑن دی کوشش کردے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو الفاظ ذکر فرمائے، ایک حدیث وچ فرمایا او دیوار چمڑے دے برابر رہ جاندی ہے، یعنی کہ ساری دیوار او توڑ لیندے نے، اونوں ختم کر لیندے نے، ایک چمڑے دے برابر رہ جاندی ہے۔ دوسری حدیث وچ فرمایا وہ دیوار توڑ دے رہندے نے یہاں تک کہ جنہ ایک چھوارے دا چھلکا ہوندا ہے اینی دیوار رہ جاندی ہے، شام ہو جاندی ہے۔ وہ کہندے نے انہاں دا سردار کہندا ہے آؤ چلیے تھک گیا، صبح آ کے توڑ کے باہر نکل جاواں گے۔ جدوں صبح ہوندی ہے وہ پھر لوٹ کے آندے نے، جنی دیوار پہلے ہوندی ہے اونی دیوار پھر دوبارہ اونی ہو کے کھڑی ہوندی ہے، پھر اس نوں توڑ دے رہندے نے۔ اے روز دا سلسلہ جاری ہے، اے روز معاملہ ہو رہا ہے، لیکن فرمایا جدوں وقت آوے گا، جدوں وقت آوے گا جندا ذکر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جڑا اجے تک نہیں پہ نکل دے، فرمایا ھذا رحمت من ربی، اے میرے رب دی رحمت ہے، فاذا جا وعد ربی، اور جدو میرے رب دا وعدہ آ جائے گا، جا لہو دکا، پھر وہ دیوار ریزا ریزا ہو جائے گی، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب دا جڑا وعدہ ہے او سچا ہے۔ جدوں یہ وعدہ آنا ہے، جدوں وقت آنا ہے، جدوں یہ ٹائم آنا ہے قرب قیامت، جدوں قیامت قریب آ جائے گی، جدوں انہاں دے نکلن دا وقت آ جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او آن گے دیوار توڑن گے، دیوار توڑن دی کوشش کردے رہن گے، جس وقت شام ہوے گی تھوڑی جی دیوار رہ جائے گی، انہاں دا جڑا سردار ہے ان دی زبان وچوں اچانک نکل جائے گا، آپے خود بخود نکل جائے گا، آؤ چلیے انشاءاللہ کل باقی دوڑا گے۔
बेसाख्ता निकल जाएगा इंशाल्लाह, निकल जाएगा इंशाल्लाह, कल आके तोड़ांगे जदों ये अल्लाह दा नाम लेके जाणगे, जदों वापस आणगे, जदों सुबह आणगे जिथे छड़ के गए ने वो दीवार उत्थे ही होएगे, और उस दीवार नु तोड़ के फिर बाहर निकल आणगे। हल्के कायनात ने फरमाया अत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, फरमाया यहां तक याजूज और माजूज खुल जाएंगे, उन्होंने खोल दिता जाएगा। फुतिहत माजी मजहूल है, फरमाया उन्होंने खोल दिता जाएगा, उन्होंने निकलन दे इजाजत दी जाएगी, और वे दुनिया विच इलाके विच फैल जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ केड़ा टाइम होना है जदों याजूज माजूज ने निकलना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस तो पहले निकलन तो पहले आप जमीन ते इस शान दे नाल, इस मकाम दे नाल, इस अजमत दे नाल आनगे। आपने सबद रंग दा लिबास पहने आएगा, आपने फरिश्तियां दे परां ते अपने हाथ रखे होंगे। एक सजी साइड ते फरिश्ता आएगा, एक खब्बी साइड ते फरिश्ता आएगा, उन्हां दे परां ते आपने अपने हाथ रखे होंगे। और दमिश्क दे इलाके विच एक मस्जिद है, उन्दे मीनार दा रंग सफेद है, उस मीनार वाली मस्जिद ते आप जमीन ते तशरीफ लाणगे। जिस वक्त जमीन ते आणगे, जिस वक्त मस्जिद विच आणगे, उस मस्जिद विच उस वक्त आका अलैहिस्सलाम दी आल दा आखरी इमाम, आका अलैहिस्सलाम दी आल दा बारहवां इमाम, जिस नूं हजरत इमाम मुहम्मद इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहंदे ने, ओ भी मस्जिद मौजूद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, नमाज का वक्त हो जाएगा। जिस वक्त नमाज का वक्त होएगा, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने पहचान लेंगे, आप उन्होंने पहचान लेंगे। जिस वक्त जमात का वक्त आएगा, आप फरमाएंगे तुसी जमात कराओ, आप फरमाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, मैं नबी बन के नहीं आया, मैं उम्मती बन के आया, तुसी मेरे हबीब दी आल हो, तुसी बार में इमाम हो, तुसी जमात करा, मैं तुहाडी मैं तुहाडे मगर खड़ायो के मैं तुहाडी इक्तदा विच नमाज अदा करांगा। अल्लाह ने दुनिया ते चार बादशाह बनाए ने, जिन्हां ने दुनिया ते बादशाही कीती है, दो मुसलमान ने दो काफिर ने। अल्लाह ने जो पूरी दुनिया दा पांचवा बादशाह बनाना है, वो हजरत इमाम महदी नू बनाना है। ये वक्त होएगा, ऐसे हालात होंगे, ऐसे हालात के दौरान, इस वक्त के दौरान दज्जाल का ज़हूर होएगा, दज्जाल निकलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के मुतल्लिक उनदिया कई निशानियां बयान फरमाइया ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लंबे कद वाला, घुंघरियाले बाला वाला, एक अख तू काला होएगा, उनके मत्थे ते काफ फेरे यानी काफर लिखा होएगा, जिन्हों हर मुसलमान पढ़ लेगा, काफिर उस नूं पढ़ ना सकेगा, लोगां वल जाएगा। फरमाया बड़ा सफर करेगा, जमीने सफर करेगा, लोगां नूं कहेगा मैं रब हां, अपने रब होण दा दावा करेगा। एक बस्ती में जाएगा, उन्हां नूं जाके दावत देवेगा, मेरे ते ईमान लियाओ, मैनूं अपना रब मनो। निशानियां दे वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने उन्हें इन्नी ताकत दी होगी, अगर वो चाहेगा आसमान तो बारिश आ जाएगी, अगर चाहेगा जिना सामने जिंदा खड़ा है वो मुर्दा हो जाएगा, अगर वो चाहेगा मुर्दे नू जिंदा कर देवेगा, उनके कोल जन्नत भी होगी, उनके नाल दोज़ख भी होगी, जिना उनके ते ईमान लियावेगा उन्हें आदि जन्नत में दाखिल करेगा, जिना ईमान नहीं लियावेगा
ओनू आदि दोजख च पावेगा। लेकिन फरमाया जेड़ी उंदी जन्नत है हकीकत जो दोजख होवेगे, जेड़ी उंदी दोजख है हकीकत जो जन्नत होवेगे। लोग जेड़े उंदे ते ईमान ल्यानगे ओ नानू कुछ नहीं कहेगा, और जेड़े ईमान नहीं ल्यानगे उन्हां दे जुल्मो सितम भी करेगा। इसने भी अपना सफर शुरू किया है। हजरत ईसा अलैहि सलाम भी आ गए ने, इमाम महदी अलैहि सलाम दा ज़हूर भी हो गया है। इस हालात के दौरान याजूज और माजूज नु खोल दिता जाएगा, और जिस वक्त ये बाहर निकलेंगे, अकाल सलातु सलाम ने फरमाया जो याजूज और माजूज नु खोलिया जाएगा इन्हां दा एक लश्कर गुजरेगा। फरमाया जेड़े इंसान मुसलमान उस वक्त मौजूद होंगे इन्हां तो छुप जाएंगे, किलिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे, अपनिया जाना बचा लेंगे, अपने आप को छुपा लेंगे। ए जिस रस्ते चलेंगे ना कोई फसल छोड़ेंगे ना कोई जानवर छोड़ेंगे। फरमाया अगर नहर विचों लंघेंगे उनका सारा पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि इन्हां दा दूसरा गरो जदों उत्थे आएगा वह आखेगा इवें लगता है जदों किसे जमाने तक इत्थे ना फसल हुई है ना इत्थे कदे पानी आया है। इस दौरान वह पूरी रूए जमीन से फैलन दे वास्ते तबाहो तबाही मचान दे वास्ते अपना सफर कर रहे होंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दी बारगाह में दुआ करनगे, ऐ अल्लाह सानू इन्हां तू निजात अता फरमा दे, इस याजूज माजूज दी कौम दे कोलो सानू निजात अता फरमा दे। आप दुआ करनगे, आपकी दुआ दी बरकत दे नाल इस कौम दे गलियां विच गिल्टी दा मरज, इन्हां दे गलियां दे विच मरज पैदा होएगा। एक बबा आएगे जिस ना इन्हां दे गले बंद हो जाएंगे, ये सारे ढेर हो जाएंगे, सारे मर के मुर्दा हो जाएंगे। लोग किलिया विच छुप के बैठे ने, लोग शोरो गुल खत्म हो गया, जेड़ी बाहर तबाह ते ने तबाही मचाई है, जेड़ा शोर है रुक जाएगा, लेकिन लोग फिर भी खौफ सताए होंगे, बाहर कोई नहीं निकलेगा। बल्कि लोग आखनगे कोई ऐसा है जेड़ा अपनी जान दी कुर्बानी देवे, जेड़ा अपने आप नु समझे मैं मर गया वा, ए समझ के बाहर जावे, बाहर जाके वेखे, अगर तायो हुए फिर समझो ये खत्म हो गया, लेकिन अगर ना हुए फिर आके सानू दसेगा। बिलाखिर उन्हां लोगां दे विच्चों एक बंदा इस गल से तैयार हो जाएगा, कहेगा मैं अपनी जान का नजराना देना वा, यानी कि दोनों खबर देन दे वास्ते बाहर के हालात के बारे खबर लैन दे वास्ते अगर मेरी जान भी चली गई मैनू परवाह नहीं है, लेकिन मैं बाहर जाना वा। वो बाहर आएगा, जदों बाहर आके वेखेगा इन्हों के ढेर लगे होंगे, इन्हों दाशा ही लाशा हो गई, वो आके खबर देगा अल्लाह ने दुआ कबू कर लिए, अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी है, निजात मिल गई है, सारे बाहर आ जाएंगे। इस मकाम ते अकाले सलातु सलाम दे दो फरमान ने, अकाले सलातु सलाम ने फरमाया जिस वक्त लोग निकलेंगे उन्होंने ना उन्होंने जानवर भी होंगे जेडे उन्होंने अपने नाल किलां विच महफूज किए होंगे। जिस वक्त बाहर आएंगे खान नू ना जानवरां नू खुराक मिलेगी ना इंसानां नू खुराक मिलेगी, इस वास्ते कि सब कोई ताओ खा गए ने। उस वक्त जड़े जानवर ने ओह इन्हां नू खाणगे, अल्लाह इन्हां नू जानवरां दी खुराक बनावेगा, और जानवरां नू अल्लाह ताजगी अदा करेगा, सेहत अदा करेगा, और उन्हां जानवरां नू इंसान अपनी खुराक बनाणगे, और इतने ज्यादा होणगे। अकाल सलातु सलाम दी दूसरी हदीस मुबारका फरमाया जिस वक्त ये लोग कसरत दे नाल होंगे इन्हां दी लाशां दे ढेर होंगे, फिर बदबू फैल जाएंगे, लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करनगे, ऐ अल्लाह इन्हां दे कोलों सानू निजात अता फरमा दे। अल्लाह ताला दे महबूब
ऐसे परिंदे भेजेगा, ऐसे परिंदे आनगे जेड़े इन्हां दियां लाशां उठा के लै जाणगे। अल्लाह जिथे चाहेगा उथे जाके फेंक देंगे, फिर जमीन ते अमन आ जाएगा, फिर जमीन ते इस्लाम आ जाएगा, फिर जमीन पूरी रूए जमीन ते अल्लाह ताला इस्लाम नाफिज फरमा देवेगा, इस्लाम दा गलबा आ जाएगा, दुनिया ते कोई काफिर नहीं रहेगा। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने ए भी इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया ते आके आपने 40 साल आपने बादशाही करनी है, आपने आके निकाह भी फरमाना है, आपकी औलाद भी होवेगी और फिर आपका विसाल होवेगा। जदों आपका विसाल होना है, आका अलैहिस्सलाम दे रोजा पाक, आका अलैहिस्सलाम दे रोजा अनवर विच, आका अलैहिस्सलाम दी कबर मुबारक दे नाल आप दी कबर मुबारक बनाई जाएगी। अकालम ने इंदी भी खुशखबरी अता फरमाई है। अमायशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमा दिया ने, मैं अकालम की बारगाह में अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहनी हाँ मेरी कबर भी द्वाडी कबर दे नाल द्वाडे रोजा पाक दे विच बन जावे। अकालम ने फरमाया, आयशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस रोजा पाक च चार कबरां बननियां ने, एक मेरी बनेगी, एक सिद्दीक अकबर दी बनेगी, एक उम्र फारूक दी बनेगी और चौथी कबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी बनेगी। हल्के कायनात ने हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम आप तज़किरा फरमाया, आपने फरमाया जड़ी मैं दीवार बनाई है, ए मैं जो कुछ कीता है इसने सलामत रहना है अल्लाह दी रहमत दे नाल, लेकिन जे तो अल्लाह दा वादा है आ जाना है ए दीवार खत्म हो जाएगी और मेरे रब दा वादा सच्चा है। फरमाया व तरकना बादहुम यौमैदिन यमूजो फे बादिम व नुफिखा फिस्सूरे फजमअनाहुम जमा व अरदना जहन्नमा यौम कायनात ने इरशाद फरमाया, दुनिया ते आन वाले हो, ऐ दुनिया ते आके अपने मालक नु भूल जान वाले हो, क्या तुसी ये गुमान करदे हो, क्या काफिर गुमान करते ने, क्या काफिर गुमान करते ने असी अल्लाह ताला दे कब्जा कुदरत च बाहर निकल जावांगे। हल्के कायनात ने फरमाया, ऐसा हरगिज नहीं है, जदों कयामत दा दिन आवेगा, जदों कयामत दा दिन आना है और असी हजरत इसराफील नु हुक्म देना है, ऐ इसराफील सूर फूक दे, जदों उन्होंने सूर फूकना है सारी दुनिया हल जाएगे, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगे, हर चीज मलिया मेट हो जाएगी। और फरमाया सी फिर सारियां नू अपनी बारगाह विच इकट्ठा करांगे, अपनी बारगाह विच इकट्ठा करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ लोगो जिन्ना नू मैनू छड़ के तुसा पूज दे सो अज उन्ना नू बुलावो ओ बुलाणगे, लेकिन उन्ना दी कोई मदद नहीं करेगा। हल्के कायनात ने फरमाया, कामयाब ओ होणगे जिन्ना ने ईमान लियांदा, ईमान लियां तू बाद नेक आमाल कीते असा उन्ना नू जन्नतुल फिरदौस दा वारस बना देंगे। इस वास्ते फरमाया, अगर कामयाबी मिलनी है, अगर कामयाब होना है
कामयाबी मुमकिन है। हल्के कायनात ने फरमाया कुल्लू कानल बहरो मिदादली कलिमात रब्बी लनाफिदल बहरो कबला अंतफदा कलिमात रब्बी वलो जिना बिमिस्ली मददा। फरमाया मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हानु इरशाद फरमा दियो अगर समुंदर दा सारा पानी स्याही बन जावे और दुनिया दे तमाम दरख्त इन्हां दियां कलमा बन जान और अल्लाह दियां गल्लां अल्लाह दे कलिमात अल्लाह दी शानो शौकत लिखी जाए फरमाया समुद्रा दा पानी उंदी स्याही मुक जाएगे तमाम दरख्तां दियां कलमा टुट जानगियां। फिर अगर अल्लाह इंदी मिसल होर समुंदर लियावे ओ भी खत्म हो जाएगा लेकिन अल्लाह दा जिक्र खत्म नहीं होएगा। इस वास्ते फरमाया बे बिस्मिल्ला इस में अल्लाह दा ते ए भी गाना भरा नाल शफात सरवरे आलम छुट से आलम सारा लख हजार दरूद नबी ते जिस दाए दे पसारा ते मैं कुर्बान ओना थी बाहू जिन्ना मिलया नबी प्यारा।